ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित आराध्यम एलिगेंट विले के सैकड़ों बॉयर्स ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन किया। फ्लैट बायर्स में बिल्डर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि बिल्डर की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एलिगेंट विले के बिल्डर ने नियमों को ताक पर रखकर बायर्स के साथ फ्रॉड किया है और फ्लैट को 2 से 3 बार बेचा गया है। लोगों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। बताते चलें कि जिले में 15 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है। इसके बाद भी एलिगेंट विले के सैकड़ों बॉयर्स ने प्रदर्शन किया। जल्दी से जल्दी हो हम लोग को मिले और सारे बायर्स को जितना जल्दी से जल्दी हो सब मिलके हम लोग उनके अगेंस्ट, वो लोग हम लोग को, मुझे तो यही लग रहा है शुरू से ही हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। हम लोग उनके जाल में फंसते चले गए, जो आप देंगे आप देंगे आप देंगे, पता नहीं इस आपका कब अंत होगा। तो इसलिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे भी आए अभी किससे बात करें क्या करें, कोई सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है। या तो हमारे पैसे दें नहीं तो हम लोग फिर आगे का जो भी प्रोसीजर होगा सब बायर्स मिलके हम लोग लेने वाले हैं। अभी भी टाइम है, अगर उन लोगों के पास अगर कोई सोल्यूशन है तो आके बताएं, हैंड ओवर करें, फ्लैट का चाबी दे, वरना अपना सोच ले उन लोग। मतलब कि तैयार खड़ा हुआ है स्ट्रक्चर, कुछ मूलभूत बेसिक सहूलियत देने के बाद और कुछ हल्का सा काम उन्होंने जो भी उनको कराना है करा के वो दे दें, ताकि हम रेंट दे रहे हैं, EMI दे रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, हमें बहुत परेशानी हो रहा है और हर आए दिन हम यहाँ आ रहे हैं कि देखें क्या काम हुआ है क्या काम हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई बिल्डरों को ही पता नहीं है कि किससे हम बात करें और कहाँ से इस चीज़ों को हम निस्तारण करके अपने यहाँ पर हम सेटल हो पाए। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, 35 साल की सेवा करने के बाद भारत सरकार ने जो पैसा मुझे दिया मैंने सारा एलिगेंट बिल्डर को दे दिया। अब जो है बैंक वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे घर में नोटिस लगा रहे हैं, मैं इस मकान में रह रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ, पेंशन में गुजारा कर रहा हूँ और डबल सेलिंग में मेरा मकान है या प्रोफाइल फंडिंग में मुझे पता नहीं है।